हाँ तो द्रौपदी कहिए कन्हैया। नैना से ज्वालामुख से लंबी जीव हाथ में खप्पर खोले केस, ये विकराल वेश आज मैं अपनी बहन द्रौपदी का देख रहा हूँ। मेरे से क्या गलती हुई है, क्या खता हुई है? कोई गलती हुई हो तो बाद में मुझे बता देना सलाह, जैसी तो कहेगी मैं वैसा कर लूंगा। अच्छा, लेकिन ये समय इस वेशभूषा का नहीं है। तुझसे गलती नहीं, अरे तुझसे तो बहुत बड़ा गलता हुआ है। क्या? और गलता ये हुआ है कि जो तू आज मेरे द्वार पे आया है। अच्छा, मुझे तेरा बात नहीं चाहिए, चला जाए यहाँ से कन्हैया। बात ना चाहिए? नहीं चाहिए। अगर बात ना चाहिए तो चिट्ठी क्यों भेजी? मैंने मैं नहीं भेजी। बिना बुलाए नहीं आया, मैं बुलाया हुआ आया हूँ। अरे ये समय तो ऐसा है जो कि एक माँ के जीवन में आना चाहिए। ये समय तो ऐसा है हर बहन को अपने भाती भाई पर गर्व करना चाहिए। मैंने कोई चिट्ठी नहीं भेजी और ना ही मैंने तुम्हें बुलाया। आखिरकार तुझे इन दोनों चीजों की खुशी नहीं है? नहीं है। नाराजगी क्या है? नाराजगी तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नाराजगी क्या है। मैं तुझसे क्यों नाराज हूँ तुझे सब पता है। तो कोई नाराजगी है तो बात पहले बात तो पीछे कर ली अपनी। नहीं कन्हैया, पहले अपनी नाराजगी दूर करूंगी उसके बाद बात पहनूंगी। उसके बाद बात पहनेगी? हाँ। क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू खुश हो रहा है कि इस पटरे के ऊपर खड़ा होकर आज मुझे बात पहनाएगा, लेकिन तेरा ये ख्वाब तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा, हाँ क्या कहना चाहती है तू? सुन मेरी बात। कहो। तेरे पटड़े ऊपर पैर धरने ने तू मत नंदलाल उठाइए। रिश्ता कैसा भाई बहन का हो से। अरे दर्शन हो जा दोनों के वो समय चैन का हो से। के भाई का फर्ज बहन को दुख देने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में अलग रहने का हो से। ना भाई का फर्ज दुखों में कहीं फर्ज नहीं निभाया। नहीं निभाया। ये सारी जनता सारी समाज बता देगी कि कन्हैया ने फर्ज निभाया कि ना निभाया। क्या फर्ज निभाया तूने? तेरा चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलैये। चीर द्रौपदी बढ़ा दिया तू मत एहसान भुलैये। Hey!
कौन सा एहसान तने तो था कौन सा एहसान तने तो चढ़ा चढ़ाया तारा कौन सा तने चढ़ा रख्या वो भेद खोल दे सारा मारिया था शिशुपाल हाथ में चक्कर लग्या तुम्हारा जान गया अब जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा जान गया तने पट्टी बांधी जब रुकी खून की धारा तने वचन दिए एहसान बताया रे 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 तने वचन दिए एहसान बताया तू चलिया यहां ते चाहिए जो मांगेगी बस
अपने वचनों को वापस ले ले, इससे तो अच्छा रहेगा। मेरे वचन वापस नहीं होंगे। तीन वचन भरवा करके या क्या बात मांगा तूने? अट्ठान 100 निदल का खून चाहिए तुझे। तूने कहा था कि कुछ भी मांग ले वही दूंगा। कुछ का मतलब ये नहीं होता कि तो कुछ भी मांग ले। जब हाथ का मौका होता है, हाथ की चीजें होती है, वो मांगनी चाहिए। लेकिन आज तक ऐसा बात तो किसी ने नहीं मांगा। आज मैं ऐसा बात मांगती हूँ। अरे अट्ठान 100 निदल में तो कौरव और पांडव और कौरव की पांडव, यहाँ तक कि तेरा भैया कन्हैया भी शामिल होता है। तो कन्हैया का ही तो खून पीना चाहती हूँ मैं। तो अकेला कन्हैया को मांग लेती, कम से कम कौरव पांडव को और कौरव पांडव की सेना को छोड़ दे। पांचों पांडव और तू सबसे बड़े दुश्मन है मेरे। सबसे पहले तुम्हारा खून पीऊंगी मैं, उसके बाद कौरव का नंबर आएगा। अरे महाभारत में दो सेना है, कौरव और पांडव और धर्म की लड़ाई महाभारत में चल रही है। अभी अधर्म की दीवार खड़ी है, धर्म को तो अधर्म की दीवार तोड़नी है। अगर वो अधर्म की दीवार ना टूटी तो धर्म की जीत नहीं हो सकती। इसलिए या तो वचन हार हो जा, क्योंकि महाभारत में 18 अक्षौणी दल, जो 11 अक्षौणी दल में कौरव और कौरव की सेना थी, और 7 अक्षौणी दल में पांडव और पांडव की सेना और भगवान का नहीं आता। कौरव पांडव भगवान का नहीं यार, कौरव पांडव की सेना को मिलाकर के पूरा 18 अक्षौणी दल था, जिसका खून द्रौपदी ने खप्पर में 3 वचन भरवा करके मांग लिया। लेकिन कन्हैया तो कन्हैया थे, ये भी जानते थे कि 3 वचन भरवा करके द्रौपदी मांगेगी क्या, रहम कर सकती है? नहीं, मेरे वचन वापस नहीं हो सकते। अगर मेरे वचन दे सकता है तो रुक, और नहीं दे सकता तो यहाँ से जा सकता है। तेरे वचन वापस नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्या मैं फिरौती मांग सकता हूँ अपनी? मांग ले कन्हैया, लेकिन सोच समझ के मांगना। सोच समझ के मांगूंगा, पीछे कदम मत हटा जाना। बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। कह दे दोबारा, सुन ले मेरी बात। सुना 18 अक्षौणी दल का पियूं मन भैया खून पियइए। अरे पांच पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी कहिए। पांच पांडव और कृष्ण पे रहम द्रौपदी कहिए। फिरौती का पता नहीं था, मारी चोट कुढ़ाली। अरे धुर तेरी चली आई नफरती लई निराली। तुम छेयो के बिना कन्हैया मेरा खप्पर रह जा खाली। अरे कलयुग में भर दूंगा आज सबर राख पंचाली। कलयुग में भरवा दूंगा आज सबर राख पंचाली। मेरे कृष्ण बात जय करण गढ़ दे।